मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गलत तरीके से रोड पर गाड़ी खड़ा किया और जब पुलिस गाड़ी हटाने को कहने लगी तो तीन लोगों ने पुलिस की बीच सड़क पर पिटाई कर दिया। यही नहीं, दरोगा जी की वर्दी तक बदमाशों ने फाड़ दिया। ये पूरा मामला नोएडा का है। बताया जा रहा है कि दरोगा प्रदीप कुमार अपने प्राइवेट गाड़ी से जा रहे थे और गलत तरीके से खड़ी करके गाड़ी, उसमें तीन युवक बैठे हुए थे। दरोगा जी ने जब इन्हें गाड़ी हटाने को कहा तो ये तीनों आग बबूला हो गए और दरोगा जी की जमकर पिटाई कर दी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बिजली की रफ्तार की तरह इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। दरोगा जी की पिटाई करने वाले जो तीन आरोपी हैं उनके नाम है अंशु शर्मा, हिमांशु शर्मा, सुनील शर्मा। ये तीनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। हालांकि इनके चलने का जो स्टाइल है वो बता रहा है कि पुलिस ने इनकी अच्छे से खातिरदारी भी की है। शायद अब इस खातिरदारी के बाद ये तीनों अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहरहाल तीनों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और इन्हें अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। कल रात्रि में थाना 39 को एक सूचना प्राप्त हुई कि प्रदीप सब इंस्पेक्टर जो थाना 49 में तैनात है वो अपने प्राइवेट वाहन से मोरना बस स्टैंड की तरफ राजकीय कार्य के संपादन हेतु जा रहे थे। उसी दौरान सामने से एक छोटा हाथी आया जिसमें कुछ लोग सवार थे। उन्होंने गाड़ी को रोड पर खड़ा कर दिया जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर के द्वारा उसको हटाने के लिए कहा गया, जिसमें इनकी हटटक हुई और उन युवकों के द्वारा जिसमें अंशु शर्मा, हिमांशु शर्मा और सुमित शर्मा है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की गई। इसमें तत्काल तीनों लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया, अभियोग पंजीकृत कराया गया और आज इनके विरुद्ध जो है वो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा